अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ड्रामा सिर्फ इमारत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जरार अपनी बहन समरा की खुशी की खातिर जुनैरा से शादी के लिए राजी हो जाएगा। ठीक वैसे ही हुआ। जरार के हाँ करने के बाद जरार के घर वाले उसका रिश्ता लेकर जुनैरा के घर पहुँच जाते हैं, लेकिन जुनैरा के वालिद आबिद इस रिश्ते से न सिर्फ इनकार करते हैं बल्कि इसके साथ साथ वो जरार के घर वालों को जलील करते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी का भी वही फैसला है जो मेरा फैसला है। अब घर आकर जरार की माँ जरार को बताती है कि हम गए थे जुनैरा के घर तुम्हारा रिश्ता लेकर, लेकिन आबद भाई ने तो हमारे किसी भी रिश्ते की लाज नहीं रखी और हमें जलील कर दिया। जरार ये सुनकर कहते हैं अम्मी आपको वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, बहुत गलत किया आप लोगों ने। दूसरी तरफ जुनैरा जिसने जरार को हासिल करने के लिए ना जाने क्या क्या चाले चली हैं, अब बाप के इनकार के बाद तो वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती है और उसे लगता है कि जैसे जरार उसके हाथ से निकल गया। अब जुनैरा कैसे जरार को अपने हाथ से निकलने दे सकती है, इसलिए सबको इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए बहुत खुशी का ड्रामा रचाती है। अब पुलिस केस होने की वजह से जुनैरा का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हो पाता। ऐसे में जूनी की माँ अपने शौहर से कहती है आबिद ये सब आपकी जिद और गुस्से की वजह से हुआ है, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। ऐसे मौके पर जरार और उसके वालिद का भी आना बनता है। दोनों जब वहाँ पहुँचते तो जुनैरा के वालिद एक बार फिर से उन्हें गुस्से से देखते हैं। खैर जुनैरा का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है जरार के वालिद के कहने पर और जुनैरा बच जाती है। दूसरी तरफ मलिक साहब को भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। अब वो जरार के पास आते हैं ताकि उसे मना सकें और मेहर की हकीकत बता सकें, लेकिन जरार उन्हें देखकर वहाँ से जाने लगता है तो उसे रोकते हुए कहते हैं कि मुझे मेहर के बारे में बात करनी है। जरार कहता है मैं मेहर नाम की लड़की को नहीं जानता। उसके बाद जरार वहाँ से जाने लगता है तो मलिक साहब कहते हैं क्या वो तुम्हारे बच्चे की माँ है। जरार ये सुनकर तो हैरान रह जाता है लेकिन वो फिर भी वहाँ से चला जाता है। अब जरार एक तरफ जुनैरा से शादी तो कर लेगा लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल में अपने बच्चे को लेकर मोहब्बत जाग जाएगी और वो जुनैरा के करीब भी नहीं जा पाएगा क्योंकि उसकी औलाद उसके पांव की जंजीर बन जाएगी और जुनैरा के साथ शादी महज एक कॉन्ट्रैक्ट बनकर रह जाएगा जिसे जुनैरा खुद ही बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस सारी सच्चाई खुद ही बता देगी कि उसने जरार को हासिल करने के लिए क्या क्या ट्रिक्स इस्तेमाल की। मजीद आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।